चुस्पियर में आपका स्वागत है। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार से लेकर शासन तक कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो विभागों के अंदर छिपे बैठे हैं, फिर वो पुलिस हो या कोई और लोग। आए दिन महिलाओं के साथ शोषण की खबरें आती रहती हैं। ऐसे ही एक खबर आई है पटना के बेउर से, जहां एक महिला को उसके ही घर से नशा देकर गायब कर दिया जाता है और उसकी जिंदगी तबाह करने की भरसक कोशिशें की जाती है। इस मामले की तह तक जाने के लिए न्यूज पीआर की टीम सीधे पीड़िता से मिलने पहुंचती है, जहां उनसे हुए उसके पूरे वारदात को समझने की कोशिश की जाती है। इस दौरान होश उड़ा देने वाली बातें सामने आती हैं। पीड़िता के द्वारा उसके ही जेठ और जेठानी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दो नाम और आ रहे हैं, वो नाम है बेउर थाना के एएसआई सुनील और उसके साथ एक महिला का जिक्र किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीड़िता ने एएसआई पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे उसको गंदी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करता था। आइए सुनते हैं इस मामला में पीड़िता क्या कह रही है। हमको एक किडनैप कर लिया गया था मेरे घर से। कहाँ से किडनैप किया गया था? मेरे घर से। कितने तारीख को? 25 तारीख को। कहाँ ले गए, क्या हुआ, कैसे किडनैप किया है? ये सारा पूरा जानकारी दीजिए ना। घर में, हम अपने घर में गए थे, तो घर में वहाँ हम रहते नहीं है, हस्बैंड के साथ दूसरी जगह रहते हैं, तो उस घर में मेरी जेठानी और बाकी फैमिली सब वहाँ पे रहते हैं। तो इस घर में हम गए थे कुछ सामान लाने के लिए, तो जब हम सामान लाने के लिए गए थे तो अचानक से जैसे हम अपने रूम में गए वैसे ही लाइट कट गया, और लाइट कटने के बाद लगा जैसे कि हमको कुछ पैर में चुभ गया था और वहीं पे हम गिर गए। और गिर गए उसके बाद फिर हमको कुछ याद नहीं है सही से। जब होश आए तो हमको सिर्फ इतना याद है कि हम किसी गाड़ी में थे, उसके ब्लैक शीशा था। जहाँ ले गया वहाँ क्या किया? जहाँ हमको लेके गया वहाँ पे हमको कुछ याद नहीं है सही से, बस इतना याद है कि वो एक लेडीज थी साथ में बूढ़ी सी, वो बोली हाथ पकड़ के जबरदस्ती बोली कि सुई ले लो बाबू। हम बोले कि किस चीज़ का सुई? कोरोना का सुई। ऐसे उसको जब उसके बाद फिर हमको एक बोतल पीने के लिए पानी दी थी, और पता नहीं कैसा था पानी, बिल्कुल ही तीख कड़वा टेस्ट था उसका, और वो ज़बरदस्ती 2-3 बोतल पिलाई थी। और उसके बाद फिर हमको वहीं पे हमको नींद आ गया था, हम सो गए थे। उसके बाद फिर जब आँख खुला तो हमको मेरे हाथ में पर्स और चार्जर था मेरा, वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और उसके बाद जो चार लड़का था बोला कि आप बड़ौनी जाना है आपको, ये पकड़िए आप और आप चल जाइएगा, आपका ट्रेन आएगा 7 बजे, आप चले जाइएगा। और उसके बाद हमको छोड़ के चला गया। बोलो हमको इतना याद है कि सामने में एक मंदिर था और वहाँ पे हमको बैठा दिया था। जो महिला मतलब इंजेक्शन दी थी उसको आप पहचानते थे? उनको नहीं बस जानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे घर में आपके साथ ये हुआ तो मतलब किस पे आपको ये सजा रहा है? क्योंकि कौन ऐसा कर सकता है? मेरे घर में पहले से पारिवारिक विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन और मेरी जो जेठानी और मेरे जो जेठ हैं उनका थाना से बहुत ज़्यादा पैरवी है। और वो थाना से? बेउर थाना से जी। अच्छा, फिर? और उसके बाद वो अब हमेशा डराते धमकाते हैं घर में आकर के हमको। कौन लोग डराते धमकाते थे आपको? थाना से आते हैं ना, कभी यूनिफॉर्म में आते हैं, कभी सिविल ड्रेस में आते हैं, और हमेशा कौन आते थे थाना से? कभी हवलदार है, कभी एक एएसआई है। एएसआई? हाँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुनील सिंह है, क्योंकि हमने बैच में सिर्फ हम पढ़े थे एक बार। उनका वो हमेशा घर से बोलते हैं कि आप लोग घर से यहाँ से चले जाओ खाली करके, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। ब्लैकमेल वगैरह भी करता था क्या? कॉल करके ब्लैकमेल कभी नहीं किया, घर पे जब जब आए हैं 2-3 बार तब हमको ब्लैकमेल किया है। किस टाइप का ब्लैकमेल किया उसको?
वीडियो वायरल करने का। वीडियो उनके मोबाइल पे था मेरा एक। कहाँ से आया था वो वीडियो? वो मेरे घर में ही बनाया गया था वीडियो, इसीलिए हमको लग। मतलब कैसा वो वीडियो? मतलब बाथरूम का वीडियो है मेरा। और वो करके आपको ब्लैकमेल करते थे? दिखाए थे एक बार और बोले थे दोबारा इस घर में आओगी तो सोच लेना क्या होगा। थाना गए तो क्या हुआ? थाना जब हम मिले थे अपनी फैमिली को, तो उस टाइम तो हमको जब भी जाते थे थाना तो हमको भगा देता था। हमेशा थाना से बोलता था कि अब फ्रॉड है, आप लोग झूठ मूठ का केस करने के लिए आते हैं, फंसाने आते हैं, और उल्टा मेरे हम पे ही केस कर देता है वो लोग वहाँ से। अच्छा, जिस दिन आप अपने घर गई थी और आपको बेहोश किया गया था, तो वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे आपके घर में? मेरी जेठानी थी और उनके साथ एक लेडीज थी। कौन लेडीज थी वो? लेडीज को हम पहचानते तो नहीं है, क्योंकि मेरी जेठानी का ब्यूटी पार्लर है, तो वो बहुत हमेशा वो वहाँ आती है। जेठानी का ब्यूटी पार्लर दूसरी जगह भी और घर में भी। अच्छा, वो जो लेडीज है उनको आप जानती हैं? जानते नहीं है, लेकिन वो SI के साथ एक बार उनका पिक्चर देखे हैं, DP में लगा हुआ था। इसके बाद हमने पीड़िता के पति से भी बातें की, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी बातें रखी है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरी पत्नी 25 तारीख को 3:30 बजे वो अपने नहर से ससुराल गई, और वहाँ जाने के बाद मैके उसका अनिसाबाद है और ससुराल बेउर है, तो वहाँ कुछ सामान लाने के लिए गई थी। कमरे में गई तो उसी समय जो है किसी ने उसके पैर में कोई स्विच चबो दिया और वह बेहोश होकर के गिर गई। और ये घटना कितनी तारीख की है? ये घटना 25 तारीख की है, और उसके बाद वो गुम हो गई, बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में वो हमें, जब हम बाहर में थे तो हमें पता देखे कि मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई, तो 2 घंटा के बाद लगभग हम अपनी पत्नी का खोजबीन करने लगे कि मेरी पत्नी चली कहाँ गई। मैं खोजते हुए अपना घर गए, ब्योर वाले मकान में गए, वहाँ नहीं मिली। तो उसके बाद फिर मेरी पत्नी गुम हो गई, और करीब 2-3 घंटे के बाद मेरी पत्नी के ही मोबाइल से, जिसका नंबर है 870-972 नंबर में। अच्छा, तो उसके बाद जो है उसी के मोबाइल से मैसेज आना शुरू हो गया, और उसमें किस पे मैसेज आता था? आपके फ़ोन पर? हम मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आया, मेरे साला के भी फ़ोन पर भी मैसेज आया। मैसेज में आता था कि आप जो है अपना ज़मीन जो है वह ज़मीन मेरे नाम कर दो, और कलकत्ता वाला जो है आप लिख दो, चाहे तो पटना। नाम कर दो, कौन बोलता था ये मेरे नाम कर, मेरे नाम कर दो, प्रेमचंद कुमार के नाम से करने की बात होती थी, और कभी कभी फ़ोन भी आता कभी कभी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर वो गुम हो गई, और फिर मिली 26 तारीख को प्लेटफार्म नंबर 1 पर पटना जंक्शन के। किस हालत में मिली थी वो? बेहोशी की हालत में उसका फोटो था, और एक किसी अनजाने व्यक्ति ने मोबाइल द्वारा मेरे साला के मोबाइल पे खबर किया कि किसी व्यक्ति ने आपको एक लेडी आपका नंबर मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपकी बहन जो है प्लेटफार्म नंबर 1 पर बेहोशी की हालत में। तो उसके बाद जब स्टेशन पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ के GRP रेलवे स्टेशन का वहाँ जाके इन्फॉर्म किए कि मेरा FIR लिया जाए, तो बोले कि ये मामला मेरा नहीं है, ब्योर थाना का मामला है। तो ब्योर थाना हम गए, तो ब्योर थाना में वहाँ दिन भर बैठाए रखा 26 तारीख को, और उसके बाद केस दर्ज किया नहीं। उसके बाद फिर हम लोग SSP कार्यालय गए। SSP कार्यालय जाने के बाद वहाँ SSP हमारे सामने फ़ोन करके बोले थाना प्रभारी को, तब शायद केस दर्ज किया। जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से पीड़िता का परिवार न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रहा है, और किस तरह से सारा कुछ बड़े ही आसानी से लीपापोती की जा रही है। यहाँ फिर से एक सवाल उठ रहा है, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर प्रशासन इतनी लापरवाह हो जाए तो आम इंसान इंसाफ की गुहार किससे करे। तो बने रहिए न्यूज़ PR के साथ।